नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज और मैं आपके साथ सिमी दानी। यह दीपावली बिजली कर्मचारियों के घरों को रोशन करने वाली है। छत्तीसगढ़ सरकार दीपावली से पहले बिजली कर्मचारियों को 11,000 रुपए बोनस देने जा रही है और इसका फायदा प्रदेश के 16,000 से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों को मिलेगा। मुख्यमंत्री बघेल ने इसकी पहले ही घोषणा कर दी थी। उन्होंने दीपावली से पहले ही देने के निर्देश दे दिए थे और बताया गया है कि पिछले वित्तीय वर्ष में 21,000 रुपए मूल वेतन और महंगाई भत्ता के रूप में मासिक वेतन पाने वाले विद्युत कर्मचारी बोनस के पात्र होंगे। इसके अलावा अन्य सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को भी उनके कार्य में दक्षता बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन स्वरूप 11,000 रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। इससे पावर कंपनियों पर करीब 17 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। अफसरों ने बताया कि बोनस अधिनियम 2005 के अनुसार कंपनियां केवल नियमित और संविदा कर्मचारियों को ही सीधे बोनस दे सकती हैं। आउटसोर्सिंग से लगाए गए अथवा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को उनके ठेकेदार की ओर से ही बोनस दिया जाना है। मुख्यमंत्री बघेल ने यह सुनिश्चित करने को भी कहा है कि ठेका मजदूरों को उनके ठेकेदार की ओर से बोनस दिया जा रहा है या नहीं। बिजली कंपनी ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता पिछले सप्ताह ही बढ़ाया है। 14 अक्टूबर के आदेश से महंगाई भत्ते की दर मूल वेतन का 38% कर दी गई है। इससे पहले यह 34% निर्धारित थी। 4% की इस वृद्धि से बिजली कर्मचारियों का महंगाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों की तरह हो गया है। बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ता जुलाई 2022 से ही दिया जाएगा और बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता अक्टूबर महीने के वेतन से दिया जाएगा। सवाल ये उठता है कि बोनस कर्मचारी को कंपनी की तरफ से उपहार है या अधिकार। भारत में 1965 से पहले तक बोनस कर्मचारियों को नियोक्ता कंपनी की ओर से मिलने वाला एक उपहार ही था, लेकिन बोनस एक्ट 1965 के प्रभावी होने के बाद यह कर्मचारी का अधिकार बन गया है। भारत के नए श्रम कानून में इसे कोड ऑफ वेजेस में रखा गया है। ऐसे संस्थान या कंपनियां जहां 20 या इससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं, यह कानून लागू होता है। कंपनी या संस्था को साल भर से जो मुनाफा होता है उसका एक हिस्सा कर्मचारी को बोनस के रूप में दिया जाता है। कर्मचारी को बोनस में न्यूनतम कितनी रकम मिलती है, बोनस की गणना कर्मचारी की बेसिक सैलरी प्लस महंगाई भत्ते पर की जाती है। अन्य किसी भी प्रकार के भत्ते इसमें शामिल नहीं किए जा सकते। बोनस के रूप में न्यूनतम 7,000 रुपए मिलना चाहिए। जिस कर्मचारी का वेतन 21,000 से अधिक है वह भी न्यूनतम 7,000 बोनस का अधिकारी यदि होता है। और अब ये सवाल उठता है कि कर्मचारियों को दीपावली के अवसर पर ही बोनस क्यों दिया जाता है। यह बात सही है कि दीपावली भारत देश का सबसे बड़ा त्यौहार है, परंतु यह बात भी सही है कि सभी कर्मचारी दीपावली का त्यौहार नहीं मनाते हैं। यदि त्यौहार के हिसाब से बोनस का वितरण किया जाता तो मुस्लिम कर्मचारी को ईद पर, क्रिश्चियंस को क्रिसमस पर बोनस वितरण होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता क्योंकि बोनस का वितरण दीपावली के अवसर पर नहीं बल्कि निर्धारित कानून के तहत किया जाता है। नियमानुसार वित्तीय वर्ष की समाप्ति यानी 31 मार्च से 8 महीने के भीतर बोनस का वितरण किया जाना चाहिए। इस प्रकार बोनस वितरण की लास्ट डेट 30 नवंबर निर्धारित है। इससे पहले दीपावली का त्यौहार आता है और यही कारण है कि दीपावली के अवसर पर सभी कर्मचारियों को, चाहे वह किसी भी धर्म और जाति के हों, बोनस का वितरण किया जाता है। अभी तक के लिए बस इतना ही। आगे की ताजा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आरजे न्यूज के साथ। नमस्कार।